नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूध से इमली बनाएंगे। ये हमारे यहाँ जहाँ से हम दूध लाते हैं, गाय बच्चा दी है तो ये तीसरे दिन का दूध है। ये जो है कि एक देखिए दूध गाढ़ा हो गया है, गाय का दूध है इसलिए पीला भी है। तो सुबह का दूध इसको हम फ्रिज में रखे थे, इसको हम जला लेंगे। और इसके लिए ये हम सुबह पाउडर लिए हैं, गुड़ का पाउडर लिए हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी गरी है, सौंठ का पाउडर है। इसमें सौंठ और गरी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि दूध हमारा तली में ना पकड़े। अब इसमें दूध डाल देंगे हम और तेज आंच करके दूध को हम जला लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे बना देते हैं तो ये जमता नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो खिचड़ी टाइप का हो जाता है, लेकिन हमें इसे जमाना है। जैसे कलाकंद होता है ना, तो ये एक तरह से देसी गाँव का कलाकंद भी इसे हम बोल सकते हैं। गैस तेज कर देंगे, चलाते हुए इसे हम जला लेंगे। यदि मान लीजिए कि तीन दिन हो गया है, आपका दूध थोड़ा कम फटता है, इसमें थोड़ा सा फटना चाहिए, दरदरा होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विनीगर आधे चम्मच से कम या चार बूंद नींबू का रस डाल देंगे। बाकी तो ऐसे दूध हमारा फट जितना हमें चाहिए उतना ये दरदरा हो जाएगा। ऐसे चलाते हुए पहले इसको हम जला लेंगे। जब ये दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब हम इसमें गरी, सौंठ और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। हल्दी हम भूल के बताना, थोड़ी सी इसमें दो मटर के दाने के बराबर हल्दी डालेंगे। यदि आप हल्दी नहीं पसंद करते हैं तो आप सादा भी बना सकते हैं, आपके पास केसर है तो केसर डाल सकते हैं। दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है, हमें इसमें कुछ नहीं डालना होगा, न तो नींबू का रस न तो विनेगर, क्योंकि जितना हमें चाहिए इस तरह का दूध हमें चाहिए। इसी तरह जब हम कलाकंद बनाते हैं तो भी मुझे इस आधा फटा दूध चाहिए होता है। तो हमारा ये दूध नेचुरल तरीके से है, इसको हम जला लेंगे। थोड़ा और कम हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। कम से कम इसमें हमें 10-12 मिनट लग सकते हैं, गैस का फ्लेम हमें तेज रखना है। दूध हमारा काफ़ी जल चुका है, 10 मिनट हो गए होंगे लगभग। अब हम इसमें जैगरी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बहुत मीठा हम लोग को नहीं पसंद है। सौंठ डाल देंगे, पूरी सौंठ नहीं डालेंगे, आधी डाल रहे हैं क्योंकि दूध ज़्यादा था उसमें, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे। और ये गरी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें मिलाते हुए थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए चलाना है जिससे ये बहुत ज़्यादा फुटकी फुटका ना होने पाए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और चाहें तो इसको जमा सकते हैं। हम इसको जमाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ इसको जमा दिया जाता है। 4-5 मिनट इसे और लगेंगे दोस्तों। गरी इसमें पकते समय ही डालना है जिससे गरी मुलायम हो जाए, और बाकी कोई मेवा इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन गरी और सौंठ बहुत ज़रूरी है। हल्दी का प्रयोग हम सोचे थे करेंगे, लेकिन हल्दी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गुड़ की वजह, गुड़ के साथ ही खुद कलर आ गया है बढ़िया। इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल देंगे। ये 5-6 केसर के धागे हैं, इससे स्वाद भी आ जाएगा और कलर तो बहुत अच्छा आ ही गया है गुड़ के पाउडर से। 3-4 मिनट और लगेंगे, इसको चलाते हुए सुखा लेंगे, फिर इसे हम जमा देंगे किसी बर्तन में। जमाने के बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब, 10 मिनट बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसे हम काट देंगे। आपको ऐसे मैश करके चलाना है क्योंकि जब इसमें थोड़ी सी लहसुन हो जाएगी और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तभी ये जमेगा। दोस्तों हमारा ये बनकर के तैयार है, इंडरी मेरी बनकर के तैयार है। इसी तरह से हमारे यहाँ बनाया जाता है। ये पक गया है पूरी तरह से। इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको किसी थाली में जमाएं तो ये साइड से पानी जैसा बहना नहीं चाहिए। इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम काटेंगे। यदि आपको मन कहे तो कोई मेवा और डाल सकते हैं, बाकी गरी इसमें बहुत ज़रूरी है।
केसर ऑप्शनल है, केसर मेरे पास था इसलिए हम डाल दिए, केसर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें अधिकतर इसमें क्या कहते हैं कि इसमें सौंठ, हल्दी और गुड़ या चीनी का पाउडर यही डाला जाता है। तो हल्दी हमने इसलिए नहीं डाला कि गुड़ का मेरे कलर भी आ गया था और केसर मुझे डालना था, इसलिए हमने हल्दी नहीं डाला। अब इसको हम 5 मिनट बाद फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तब हम इसको काट के सर्व करेंगे। तो हमारा देसी कलाकंद बन करके तैयार है। इस तरह से आप देसी कलाकंद ज़रूर बनाइए। अगर आपके अगल बगल कहीं गाय या भैंस का दूध इस तरह का मिल जाए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और यदि नहीं मिलता है, आप चाहें तो विनेगर या हल्का सा नींबू डाल के इसको बना सकते हैं। इसका शेप बहुत अच्छा नहीं आता है क्योंकि थोड़ा दरबरा होता है, इसलिए इसी तरह का शेप आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।